आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आरबी न्यूज लाइव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। रामपुर पुल के ऊपर घंटों लगा रहा जाम, प्रशासनिक अधिकारियों का धोखा। रामपुर पुल के ऊपर से राजस्व अधिकारी आरआई सूर्यमणि मांझी निकलवाते दिखे ओवरलोड ट्रक। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति द्वारा दिए जा रहे धरने पर एसडीएम लवकुशनगर अविनाश राउत ने दिया आश्वासन, अवैध उत्खनन रोकने के लिए खनिज अधिकारियों से कराया जाएगा प्रशिक्षण। पूर्व विधायक के धरना खत्म होते ही शुरू हुआ रेत का अवैध उत्खनन। रात दिन निकले हजारों ओवरलोड ट्रक। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि इन अधिकारियों ने गिरगिट की तरह रंग बदलना चालू कर दिया। शाम होते ही अवैध खनन फिर से चालू हो गया। रेत के खेल में आनंदेश्वर फूड एंड कंपनी इन अधिकारियों को देती है मोटी रकम, जिस कारण यह अधिकारी किसी भी प्रकार से झूठ बोलने को रहते हैं अमादा। राजस्व अधिकारियों ने दिया झूठा आश्वासन। जब इस संबंध में दूरभाष पर एसडीएम अविनाश राव से बात की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आनंदेश्वर ने लगभग 90 करोड़ रुपये का राजस्व जमा किया है, जिस वजह से हम उन्हें ऐसे नहीं रोक सकते। इसके लिए खनिज विभाग से आपको बात करनी चाहिए। यहाँ पर यह कहावत झूठी नहीं है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अवैध उत्खनन का कार्य चलते ही खनिज विभाग के अधिकारियों सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।